हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुष्का हेयर स्टाइल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिंपल सा डोनट बन बनाएंगे। डोनट बन की मदद से कैसे हम बन बनाएंगे, चूड़ा बनाएंगे, वो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो आप कहेंगे कि डोनट बनाने में क्या नई बात है, हर कोई बना लेता है डोनट बन से चूड़ा। तो जी हाँ, हर कोई बना लेता है डोनट बन से चूड़ा, लेकिन एक ट्रिक से आप अपने चूड़े को कुछ अलग, कुछ नया लुक दे सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सिंपल से डोनट बन के चूड़ी को एक नया लुक दे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और आपको हमारे हेयर स्टाइल्स कैसे लगते हैं वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो हमने यहाँ पर पौनी बना ली है। पौनी जो है वो हमें ज्यादा नीचे नहीं बनानी और हाई पौनी भी नहीं बनानी, मिड राइज पर इस तरीके से कानों के सेंटर में आते हुए हमें पौनी बना लेनी है। तो हमने यहाँ पर पौनी बना ली। इसके बाद हम लेंगे डोनट बन। तो फ्रेंड्स, आप इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी डोनट बन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमें ये दिखे, ये जो है डोनट बन दोनों बड़े साइज के हैं, तो हमें यहाँ पर बड़े साइज का डोनट बन का इस्तेमाल नहीं करना। आपके बाल अगर ज्यादा मोटे हैं तो आप ये बन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल मेरे जैसे हैं तो आप क्या करें, ये छोटा वाला जो डोनट बन आता है उसका इस्तेमाल करें। तो डोनट बन लगाएंगे, बिकॉज हमें इसमें पफी लुक देखना है, इसलिए हम यहाँ पर छोटा डोनट बन यूज कर रहे हैं। डोनट बन को चूड़ा पिन की मदद से अच्छे से सिक्योर करें। कई लोग पूछते हैं कि चूड़ा पिन हमारे बालों में अटैच नहीं होती, तो उसके लिए आपको देखिए ये जो चूड़ा पिन है वो सबसे पहले जूड़े में इस तरीके से लगाएंगे, डायरेक्ट बालों में नहीं डाली, इस तरीके से बाहर की ओर निकाल के फिर ऐसे डालनी है अंदर, तो आपकी जो पिन है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगी और बन भी बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप देख सकते हैं डोनट बन को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। फ्रेंड्स, एक बात का ख्याल रखिए, आप जब पौनी बनाते हैं तो अब आप कोई भी रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कलर का, बिकॉज ये हाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप डोनट बन के ऊपर जो रबर बैंड लगाएंगे तो वो हो सके तो ब्लैक यूज करें, क्योंकि अगर थोड़े से भी बाल साइड भी हो जाए तो ये जो है दूसरे कोई कलर का रबर बैंड होता है वो दिख जाता है, और ब्लैक जो होता है वो इतना नहीं दिखता, बालों से ये मैच हो जाता है। तो इस तरीके से अपने बालों को पूरा फैला लें, अच्छे से बालों को कॉम करते हुए फैला ले चारों ओर, इस तरीके से फैला लिया है। उसके बाद रबर बैंड लेंगे और ये इस तरीके से हम इसे सिक्योर करेंगे। यहाँ पर जो रबर बैंड ली है वो थोड़ी सी टाइट है, तो सिर्फ एक ही बार लगा रहे हैं। अगर आप जो रबर बैंड यूज करते हैं वो थोड़ी सी लूज है तो दो बार इसे लगाएं। अब आप देखेंगे तो इस तरीके का आपका बन बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो करनी है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बाल है उसे थोड़ा सा बाहर की ओर इस तरीके से खींचेंगे, पूरे बालों को इस तरीके से खींचना है। अगर आपके बाल पतले हैं और आपका बन बिल्कुल थोड़ा छोटा सा बनता है तो भी आप ये जो ट्रिक है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो बन का लुक है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बालों को बाहर की ओर खींचिए, बहुत ब्यूटीफुल सा लुक मिलेगा आपको, और आप अपने ही बालों में बहुत आसानी से सेल्फ हेयर स्टाइल बना पाएंगी। देख सकते हैं आप इस तरीके से हमें करना है। तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक की मदद से आपका जो बन है वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब बारी है जो नीचे के बाल हमारे बचे हैं उसे हम रोल अप कर देंगे, इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लें। आप चाहे तो इसे ट्विस्ट अप कर भी रोल अप कर सकती हैं। मैं सिंपली ऐसे बालों को रोल अप करती हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा खींचते हुए हमें रोल अप करके चूड़ा पिन की मदद से सिक्योर कर लेना है अच्छे से। फ्रेंड्स, कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि भाई ये जो चूड़ा है जो आप बनाते हैं वो कितनी देर चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप चूड़ी को पिन की मदद से अच्छे से सिक्योर करते हैं
तो हमारा जो जुड़ा है वो फुल डे के लिए बहुत अच्छे से रहेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका जुड़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। सो इस तरीके से हमने बालों को रोल अप कर लिया है और हमारा जो जुड़ा है वो बनकर रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी एसेसरीज पसंद है तो उसकी मदद से भी आप इसे डेकोरेट कर सकती हैं, वरना ये सिंपल सा भी बहुत अच्छा लुक देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे हेयर स्टाइल्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें हमारे वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।